लंबे समय से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की नियमितीकरण एवं मानदेय बढ़ाए जाने हेतु सरकार से मांग की जा रही है, जिसको लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने जिले भर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया और जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर मुख्यमंत्री के नाम 8 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ की श्रीमती संगीता श्रीवास्तव ने बताया कि हम लोगों की लंबे समय प्रशासन से नियमितीकरण एवं मानदेय बढ़ाने जैसे अन्य मांगों को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, इसके बावजूद भी सरकार हम लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। आज टीकमगढ़ के माध्यम से मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका संघ की ओर से एक ज्ञापन उन्होंने प्रस्तुत किया है। इसमें उन्होंने 14 मांग की मांगे रखी है अपनी, तो उसमें कुछ मांग ये है कि उनका नियमितीकरण किया जाए, वेतन बढ़ाया जाए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, अन्य उनके जो विभागीय काम है इसके अलावा अन्य कार्य उनको ना लगाया जाए। इस तरह लोगों ने 14 मांगे रखी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन दिया है, तो उनका जो ज्ञापन है अवलंब में माननीय मुख्यमंत्री जी को उनकी मांगों से करते हैं। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की लगातार 5 सालों से लगातार मांग की जा रही है, उनको कहना है कि अभी तक इन मांगों को पूरा नहीं किया गया। अब ये मेरा काम है माननीय मुख्यमंत्री जी को उनकी मांगों से अवगत कराना है, इसके संबंध में जो भी हमें वहाँ से आदेश मिलेगा हम आपको बताएंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।